वर्षा के सिद्धांत और वर्षा के प्रकार जानने के बाद आइए आज हम देखते हैं कि कृत्रिम वर्षा क्या होती है। जैसा कि हमारी इस पृथ्वी पर और सभी ग्रहों पर प्राकृतिक रूप से वर्षा होती है और वो सब अलग अलग होती है, लेकिन हमारी इस पृथ्वी पर पानी की यानी कि जल की प्राकृतिक रूप से वर्षा होती है। तो मनुष्य ने जब हमारे इस वर्षा का पूर्णतया अध्ययन कर लिया तो उसने सोचा कि क्या कृत्रिम तरीके से भी वर्षा की जा सकती है। तो दोस्तों, उसने कृत्रिम तरीके से वर्षा की और आइए अब हम देखते हैं ये कृत्रिम तरीके की वर्षा क्या होती है, यानी कि कृत्रिम वर्षा जिसे मनुष्य स्वयं करता है। तो इस कृत्रिम वर्षा का प्रारंभ सन 1946 ईस्वी में सबसे पहले अमेरिका में न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों ने मैसाचुसेट्स क्षेत्र में बारिश करने का प्रयास किया और ये बारिश उन्होंने जिस विधि से की वह विधि ये थी कि इन्होंने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बादलों के ऊपर छिड़क दिया और जिससे वहाँ पर वर्षा हुई, लेकिन इससे सफलता हासिल नहीं हुई क्योंकि वर्षा बहुत ही कम हुई और खर्च बहुत ही अधिक आया। वहीं इसी साल ही 1946 में भी अमेरिका में दूसरी बार सिल्वर आयोडाइड और एसीटोन की विधि का प्रयोग करके वर्षा की गई। वहीं भारत में भी 1983 ईस्वी में तमिलनाडु में वर्षा की गई और साथ ही 2004 में गुजरात और कर्नाटक में वर्षा करने का प्रयास किया गया और 2008 में आंध्र प्रदेश में वर्षा करने का प्रयास किया गया। आंध्र प्रदेश में ये वर्षा जब की गई तो उसमें प्रतिदिन 18 लाख रुपए का खर्चा आया। तो दोस्तों, इस भारत में जो वर्षा की गई थी तमिलनाडु और गुजरात में, उसमें कुछ सफलता प्राप्त हुई तो उसके बाद में आंध्र प्रदेश में वर्षा की गई और आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि इस वर्षा का क्या प्रभाव हुआ। हम जान लेते हैं कि वर्षा की विधियां क्या हैं, कृत्रिम वर्षा किस विधि से की जाती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि बादलों में वर्षा जब ही होती है जब ये पूर्णतया सेचुरेटेड हो जाते हैं, यानी कि ये पूर्ण संतृप्त हो जाते हैं और 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो इस 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, तो जिससे कि हम बादलों की सापेक्षिक आर्द्रता है उसे 100% करते हैं, उस विधि को ही हम जान लेते हैं कि वो कौन सी विधि है। तो सबसे पहली हमारी विधि है विद्युत झटके, और ये विद्युत झटके उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर यानी उच्च अक्षांशों में बादल जो हैं वो बहुत शीतल हो जाते हैं, यानी बादल बहुत ऊंचे चले जाते हैं और वो शीतल होकर बर्फ के क्रिस्टल बनकर तैरने लगते हैं और बरसात नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है वो बर्फ के कण एक दूसरे में जुड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये विधि अपनाई जाती है और ये विधि विकसित देशों द्वारा यानी कि उच्च अक्षांशीय देशों द्वारा इस विधि को अपनाया जाता है और इस विधि से हेलीकॉप्टर द्वारा कृत्रिम रूप से बादलों में जो बिजली के शॉक्स दिए जाते हैं यानी विद्युत झटके दिए जाते हैं और इन विद्युत झटकों इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से बादलों में जो संघनन की प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है और बर्फ के रूप में मौजूद बादलों के छोटे छोटे कण एक दूसरे में जुड़ना शुरू होते हैं और वर्षा होने शुरू हो जाती है। वहीं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव ये विधि जो है वो निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में यानी जहाँ पर गर्मी अधिक होती है वहाँ पर अपनाई जाती है और इस विधि द्वारा वायुमंडल में बादल जब छाए होते हैं तो उन छाए हुए बादलों के ऊपर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव कर दिया जाता है जिससे कि ये बादल और ज़्यादा शीतल होते हैं और ये शीतल होकर संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि इनकी सापेक्षिक आर्द्रता 100 हो जाती है। अगला हमारा है सिल्वर आयोडाइड और एसीटोन। ये सिल्वर आयोडाइड और एसीटोन विधि वह है क्योंकि सिल्वर आयोडाइड बहुत ही शीतल होती है, वहीं एसीटोन जो है वो गर्म होती है। तो एसीटोन के घोल में सिल्वर आयोडाइड को घोल दिया जाता है और इस ठंडा और गर्म ये घोल मिलकर
इस तरह से हो जाता है क्योंकि जब इसे जनरेटर द्वारा ऊपर आसमानों की तरफ छिड़काव किया जाता है तो एसी टोन की वजह से ये तीव्रता से ऊपर की तरफ जाते हैं और सिल्वर आयोडाइड की वजह से ये बादलों में पहुंचकर शीतलता उत्पन्न करते हैं जिससे कि सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है और बादलों में वर्षा शुरू हो जाती है। इस विधि के लिए हमें एरोप्लेन से बादलों के ऊपर नहीं जाना पड़ता है। अगली विधि हमारी नई है जो कि इसी साल यानी कि 2022 में आई है और इसी विधि द्वारा अरब देशों में वर्षा की गई है। इस विधि से नमक के गोले बना लिए जाते हैं और ये नमक के गोले आकाश में एरोप्लेन से जाकर 4000 किलोमीटर और 3000 किलोमीटर के आसपास जब बादल बहुत ही घने होते हैं तो उन बादलों में ये नमक के गोले दाग दिए जाते हैं जिससे कि बादलों में ये नमक छिड़क जाता है और हर जगह फैल जाता है और इस नमक के प्रभाव से जो बाष्प कण हैं वो बूंद में बदलना शुरू हो जाते हैं और इससे जो है वो संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों ये विधि अन्य तीनों विधियों की अपेक्षा बहुत ही सस्ती है और इसी विधि द्वारा 2022 में अरब देशों में बारिश कराई गई थी। अब हम देखते हैं कि कृत्रिम वर्षा की आवश्यकता क्यों हुई, यानी मनुष्य को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो कृत्रिम वर्षा कराए। क्योंकि मनुष्य एक विकसित प्राणी है और वो प्रकृति को भी अपने तरह से ढालना चाहता है और प्रकृति में ढल जाता है, तो उसने इन कारणों से पृथ्वी पर कृत्रिम वर्षा कराने की उसे जरूरत पड़ गई। क्योंकि सूखे से बचाव, यानी हमारी पृथ्वी पर सूखा पड़ जाता है और सूखा पड़ता है तो उत्पादन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है और उत्पादन कम होता है जिससे कि खाद्यान्न की समस्या हो जाती है और मनुष्य को जीवन जीने में परेशानी का अनुभव होता है। इससे बचने के लिए कृत्रिम वर्षा एक अच्छा तरीका है क्योंकि कृत्रिम वर्षा से बहुत ही ज़्यादा पानी मिल जाता है और जिससे खेती अच्छी हो जाती है। तो अगला हमारा पॉइंट है वायु प्रदूषण का समाधान। जब कभी वायुमंडल में धुंध छा जाती है या किन्हीं कारणों बस वायुमंडल में वायु प्रदूषण हो जाता है तो इस वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा करानी होती है। और यदि कृत्रिम वर्षा हो जाए यानी वायु प्रदूषण के समय आकाश में बादल पर्याप्त मात्रा में मिल जाए और उनसे कृत्रिम वर्षा हो जाए तो ये वायु प्रदूषण दूर हो जाता है और वायु प्रदूषण से राहत मिलती है। वहीं कृषि उपज हेतु बहुत बार ऐसा होता है कि जब कृषि की उपज पकने वाली होती है तो बादल आकर एकदम बरसात करके और नुकसान कर जाते हैं। तो इससे बचने के लिए जैसे ही किसी क्षेत्र में जैसे कोई सागर है और इस सागर से बादल उठे और इस क्षेत्र में जो है वो हमारी फसलें खड़ी हैं और सागर से बादल उठ के अनुमान होता है कि ये बादल जब इधर बढ़ेंगे और ये सागर फसल को नुकसान देंगे तो यहाँ पर कृत्रिम वर्षा यहीं पर करा दी जाती है और इस पर जो है वो ये विधियाँ अपना कर और इस बादल को जब यहीं बरसा दिया जाता है तो ये बादल समुद्र में ही बरस कर गिर जाता है जिससे कि पकी हुई फसल को नुकसान नहीं होता है और इस फसल को बचाया जा सकता है। तो अगला हमारा विधि है कि मरुभूमि वृद्धि पर रोक, यानी इसलिए भी कृत्रिम वर्षा की आवश्यकता पड़ी क्योंकि पृथ्वी पर मरुस्थल जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं और ये मरुस्थल बहुत ही बढ़ गए तो मनुष्य को रहने के लिए जमीन की कमी हो जाएगी और खाद्यान्न की भी कमी होगी। तो इसलिए मरुस्थलों की रोक के लिए भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में बारिश कराने का प्रयास किया जाता है जिससे कि मरुस्थल इधर उधर ना फैलें और अपने एक निश्चित क्षेत्र में ही रहें, मरुस्थलों का दायरा चारों तरफ ना फैले। अगला कारण है कि बड़े सामाजिक आयोजनों हेतु, तो यानी कभी कभी हम बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय तरीके के टूर्नामेंट होते हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग होती है जिसमें बारिश होने की संभावना होती है और अगर ये बारिश हो जाए तो उस खेल में या उस आयोजन में बहुत अधिक व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो देखा ये जाता है कि यदि कोई बादल चला और पता चल रहा है कि हमारे
ये सामाजिक आयोजन यहाँ हो रहा है और बादल आएंगे तो यहाँ पर बारिश करेंगे, तो उन बादलों को उस क्षेत्र से पहले ही सेचुरेट करके बरसात कर दी जाती है। और ये बादल जब बरस जाते हैं तो यहाँ पर खेल और जो भी आयोजन होते हैं वो आसानी से होते ही रहते हैं और उनमें व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। अगला है कि जलवायु नियंत्रण यानी विश्व की जलवायु बदल रही है और इस जलवायु के बदलने से मानव जीवन पर बहुत असर पड़ता है और मानव जीवन के रहन-सहन की प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसके लिए जरूरी है कि यदि वर्षा नहीं होती है तो कृत्रिम वर्षा करा के जलवायु पर कुछ नियंत्रण पाया जा सके जिससे कि मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाया जा सके। अगला है मौसम अनुकूलन यानी कि जब कभी ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्मी होती है और उस गर्मी में आकाश में बादल छा जाते हैं और बारिश नहीं कराते हैं, तब भी उस गर्मी से बचने के लिए और उस उमस भरे मौसम से निजात पाने के लिए कृत्रिम वर्षा करा दी जाती है जिससे कि मौसम सुहावना हो जाता है और गर्मी से राहत मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कृत्रिम वर्षा है तो आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं, यानी जो भी वर्षा कृत्रिम रूप से कराई जाती है उसके लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी हैं जिनके होने से ही कृत्रिम वर्षा अच्छी तरीके से होगी। तो कृत्रिम वर्षा है तो आवश्यक परिस्थितियां हैं पर्याप्त बादल यानी आकाश में बादल होने चाहिए, लगभग 80-90% बादल होने चाहिए यानी कि आकाश पूर्णतया बादलों से ढका होना चाहिए। और इन बादलों की मोटाई भी अच्छी खासी होनी चाहिए क्योंकि यदि बादलों की मोटाई कम है तो भी वर्षा कराने से कोई फायदा ही नहीं होगा क्योंकि जल वाष्प भी कम होगी तो वर्षा होगी ही नहीं। तो इसलिए बादलों की स्थिति या बादलों का होना बहुत ही जरूरी है, आसमान में बादलों का होना बहुत जरूरी है। वहीं है पर्याप्त आर्द्रता यानी आकाश में बादल भी छाए हों और धरातल पर आर्द्रता भी अच्छी खासी होनी चाहिए, यानी धरातल पर यदि 60% आर्द्रता है या 50% आर्द्रता है इसके आसपास यदि आर्द्रता है तो धरातल पर इस आर्द्रता से और ऊपर आर्द्रता अधिक होगी और बादल भी होंगे तो वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है। वहीं वायु का प्रवाह, अब हमें देखना है कि यदि इस क्षेत्र में हमें वर्षा करानी है तो जो उस क्षेत्र के ऊपर बादल हैं और नीचे वायु किस तरह से बह रही है। यदि वायु तेज बह रही है तो ऊपर अगर बारिश कराई जाएगी तो वो बारिश की बूंदें जो बनकर नीचे चलेंगी तो बहकर वो दूसरी जगह चली जाएंगी, या सागर के किनारे अगर करा रहे हैं और स्थल से सागर की ओर हवाएं चल रही हैं तो ये बारिश की बूंदें सागर में जाकर गिरेंगी। जैसा कि 2004 में गुजरात में जब वर्षा कराई गई थी तो वहाँ पर हवाओं के प्रभाव से बारिश हुई लेकिन वो बारिश की बूंदें पृथ्वी के गुजरात के क्षेत्र में ना पड़कर सागर में बरस गई और उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों अगला है कि समय का चुनाव, और समय का चुनाव भी बहुत ही जरूरी है बरसात कराने के लिए। मैक्सिमम यानी कि अधिकतर शाम का समय चुना जाता है क्योंकि यदि शाम के समय ही बादलों में किसी भी विधि को अपनाकर वर्षा कराई जाए तो वर्षा सही होती है। और इसके लिए ये जरूरी है कि जब हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सिल्वर आयोडाइड या नमक के गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि उसका चुनाव लगभग शाम का होना चाहिए, यानी शाम के समय जैसे ही हम इस विधि का प्रयोग करेंगे तो बादल रात होगी और सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो मौसम और ठंडा होगा, ठंडा होगा तो बादल और ठंडे होते चले जाएंगे और हमें पूरी रात मिल जाएगी उन बादलों का ठंडा बने रहने के लिए और बारिश होने के लिए एक लंबा समय मिल जाएगा। अगर यही हम सुबह को कराते हैं तो जैसे ही दिन निकलेगा और उसमें गर्मी उत्पन्न होगी तो गर्मी होगी तो सापेक्षिक आर्द्रता कम होती चली जाएगी। वहीं रात में यदि हम ये शाम को करते हैं तो रात में वो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती चली जाएगी और जिससे कि है बारिश होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है और अधिक बारिश
हो जाएगी, कम खर्च में अधिक बारिश होने की संभावना बनी रहती है। वहीं साधन प्रबंधन, यानी कि जब हम बारिश कराना चाहते हैं तो हमें साधनों का अच्छे से प्रबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमें आकाश में पूर्णतया बादल मिलें और ये परिस्थितियां सब सही से जैसे ही मिलें, तो वैसे ही हम अपनी इस विधि को यानी अपने साधनों का इस्तेमाल करके और बारिश को एक विशेष क्षेत्र में और आवश्यकता के अनुसार कर सकें। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि हमारे इस पृथ्वी पर कृत्रिम वर्षा का अब बहुत ही महत्व है और बहुत ही चलन हो चुका है, यानी कि अधिकतर देश अब इस क्षेत्र में आगे निकल चुके हैं और भविष्य में हो सकता है कि इसमें और कोई सस्ती विधि आकर जुड़ जाए और मनुष्य कृत्रिम रूप से वर्षा कराने में सफल हो जाए। लेकिन ये प्रकृति से छेड़छाड़ मनुष्य को कैसी होगी, ये तो भविष्य के गर्त में ही छुपा है और भविष्य में ही पता चलेगा कि कृत्रिम वर्षा कराने से जो प्रकृति से मनुष्य छेड़छाड़ करता है, प्रकृति को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करता है, तो इसका असर किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।